नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। विरासत की सियासत, सरदार पर संग्राम। जी हां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ऐसे नाम हैं जो इतिहास की किताबों में कहीं गुम हो गए थे। लेकिन देर से ही सही मौजूदा सरकार में इन नेताओं को इनका सम्मान वापस मिल रहा है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि ये नेता बीजेपी के हैं ही नहीं, वो तो कांग्रेस के नेताओं को अपना बनाने की कोशिश कर रही है। जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर तमाम योजनाएं शुरू हो रही हैं, आजाद हिंद फौज की याद में लाल किले में तिरंगा फहराकर उन सेनानियों को याद किया जा रहा है, अब सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाने पर भी सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कोई विपक्षी दल बीजेपी को पटेल के आदर्शों पर चलने की सलाह दे रहा है, तो कोई अपने कार्यकाल में स्थापित मूर्तियों को जायज ठहराने में लगा हुआ है। हालांकि कुछ दल सरकार के इस कदम को सही भी ठहरा रहे हैं, और इस बीच चर्चा ये भी गर्म है कि केवड़िया के आदिवासियों को नाराज करके बीजेपी सरकार पटेल वोटर्स को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बीजेपी कांग्रेस की विरासत को हथिया रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, या फिर उन नेताओं को उनका सम्मान वापस दिला रही है जिसके वो हकदार हैं। इन्हीं तमाम मसलों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत को मिले सबसे ऊंचे सरदार, पीएम ने किया स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची है प्रतिमा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर सियासत हुई शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश को समर्पित कर दिया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस प्रतिमा का अनावरण उनकी 143वीं जयंती पर किया गया। लगभग 3000 करोड़ रुपए के खर्च से करीब 3.5 साल में बनकर तैयार हुई इस मूर्ति की ऊंचाई न्यूयॉर्क स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी से करीब दोगुनी है। प्रतिमा बनाने का काम L&T कंपनी को अक्टूबर 2014 में सौंपा गया था, जबकि इस काम की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। इस मूर्ति को तैयार करने के लिए 70,000 टन सीमेंट और लगभग 24,000 टन स्टील और 1700 टन तांबा और इतना ही कांसा लगा है। मूर्ति के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने उन लोगों को जवाब देने की कोशिश की जो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उनके पास तो नेता ही नहीं है। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? क्या देश के महापुरुषों का स्मरण करना अपराध है क्या? साथियों, हमारी कोशिश है कि भारत के हर राज्य के नागरिक, हर नागरिक का पुरुषार्थ सरदार पटेल के विजन को आगे बढ़ाने में अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर सके। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया। सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण होना तो ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से बनाए गए संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है। देश के संस्थानों को इस प्रकार नष्ट किया जाना किसी राजद्रोह से कम नहीं है। राहुल ने इस ट्वीट के साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी इस्तेमाल किया। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी का दावा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश के स्वतंत्रता संग्राम और देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन आजादी के बाद सरदार पटेल का नाम जानबूझकर भुला दिया गया। वहीं अब इसको लेकर विपक्ष ने भी बीजेपी पर हमला बोला है। आज मौका ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए, क्योंकि आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शहादत का दिन है, सरदार पटेल की जन्म शताब्दी है। पर क्योंकि आपने पूछा है तो मैं इतना जरूर कहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी विरासत है ही क्या, जो लोगों से बहुत ओछे तरीके से पूछते हैं कि उनका डीएनए क्या है। माफ करना, कोई अगर आपसे पूछ ले कि आपका डीएनए क्या है तो आपके पास जवाब नहीं होगा। थैंक यू। स्टैच्यू तो बड़ी लगा दी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लेकिन देश में खाई बड़ी ना बने ये भी जिम्मेदारी उनकी है। आज मैं समझता हूँ पूरा देश तो याद ही कर रहा है और बड़ी चीज काम हुआ है उसके लिए भी याद करेंगे लोग, लेकिन समाज में खाई पैदा बड़ी ना हो ये भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जहाँ स्टैच्यू ऑफ माफी मांगे बीजेपी मायावती। वहीं बीजेपी सरकार पर टिप्पणी करते हुए मायावती ने कहा, यूपी की बसपा सरकार ने लखनऊ और नोएडा में भव्य स्थलों, स्मारकों और पार्कों का निर्माण कराया था, जिसे यही लोग फिजूल खर्ची बताकर इसकी जबरदस्त आलोचना करते थे। मायावती ने कहा कि सरदार पटेल बोलचाल रहन सहन में पूरी तरह से भारतीय संस्कृति की मिसाल थे, लेकिन भव्य प्रतिमा का नामकरण हिंदी या भारतीय संस्कृति के नजदीक होने की बजाय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया। ये अंग्रेजी नाम रखना कितनी राजनीति है और कितनी श्रद्धा, ये देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। मूर्तियों को लेकर सियासत होना देश में कोई नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी देश में मूर्तियों को लेकर महाभारत छिड़ चुकी है। ऐसे में जब पीएम मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति का शुभारंभ कर दिया है तो माना जा रहा है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि अब सियासी दलों ने बीजेपी पर पटेल के नाम सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो इस देश में जितने भी महापुरुष हैं वो किसी पार्टी के नहीं हैं बल्कि पूरे देश के हैं, ये बात सच है। लेकिन ये भी सच है कि इस देश की कोई भी पार्टी अपना कोई भी कदम बिना सियासी मापतौल किए, सियासी गणित देखे उठाती नहीं है। और इसीलिए जब हम आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या विरासत पर सियासत हो रही है, तो इसे सभी पार्टियों के लिहाज से समझना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। अब्बास अली जैदी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, मंजू दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपना दल एस की ओर से, ब्रजेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संतोष कुमार तिवारी जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अब से कुछ देर में जुगल किशोर जी जुड़ जाएंगे बीजेपी की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज सवाल जो दीक्षित जी आपसे, क्योंकि आपके पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ता आज बहुत कुछ कहते रहे दिन भर, किसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बात की, किसी ने इंदिरा गांधी पर बात की, बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया, तो एक तरफ इंदिरा गांधी का अपमान करने तक का आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, और यह भी कह दिया कुछ लोगों ने तो कि माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को। आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर किसी एक परिवार के मोह में इस देश में कुछ महापुरुषों को नजरअंदाज किया गया, उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया पहले की सरकारों की तरफ से जिसमें आपकी सरकार की सबसे बड़ी भूमिका है, तो अगर मौजूदा सरकार से जुड़ी हुई पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, उन महापुरुषों को वो अधिकार दिला रही है तो उसके पीछे सियासत क्यों? शुभ्रा जी, आज का दिन सियासत करने का नहीं है, हालांकि आपके सवाल में सियासत आ गई है, लेकिन मैं उसमें जवाब में सियासत नहीं दूंगी, क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती है और इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस है। इत्तेफाक से एक को लौह पुरुष कहा जाता है, एक को लौह महिला कहा जाता है। हमारे लिए दोनों ही आदरणीय हैं, दोनों ही प्रेरक हैं, दोनों ने ही हिंदुस्तान को बनाने में, निखारने में, संवारने में, रंगने में, रचने में बहुत सहयोग दिया है, अपना बहुत कीमती जीवन दिया है, अपने बहुत अमूल्य विचार दिए हैं आगे की पीढ़ियों को उस रास्ते पर चलने के लिए जो रास्ता एक स्वर्णिम भारत के सपने को पूरा करता है। मैं दोनों को ही कोटि कोटि नमन करती हूँ। सियासत क्यों कर रहे हैं आपके पार्टी के लोग? क्यों मैंने कोटि कोटि नमन कर दिया? अब आप भाजपा से पूछिए। मैम, आप यहाँ पर
इंडिविजुअल जो ओपिनियन है वो रखने मुझे लगता है नहीं आई हैं आप, कांग्रेस पार्टी की ओर से बात करने आई हैं। आज दिन भर मैंने आपके प्रवक्ताओं की बात की जो लगातार इस मसले पर अपनी राय रख रहे थे, और उन्होंने सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि बीजेपी सियासत कर रही है, किसी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा याद दिलाई है, किसी ने ये कहा है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर ये किया जा रहा है, और इंदिरा गांधी का जिक्र करके ये कहा गया कि उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई है बीजेपी की ओर से। इस पर मैं जवाब मांग रही हूँ कि इस तरह की सियासत क्यों? शुभ्रा जी, एक्चुअली आज मैंने कहा कि एक जयंती है, दूसरे का शहादत दिवस है, और दोनों ही व्यक्तित्व इतने बड़े हैं कि कोई भी किसी भी प्रतिमा का या किसी रत्न का मोहताज नहीं है। उन पर सियासत आज करी जा रही है। मैंने पहले भी कोटि कोटि नमन किया है, दोबारा से सवाल करेंगे तब भी कोटि कोटि नमन ही करूंगी। 3000 और रही बात इसकी है, मूर्ति बनी है तो ये सही है कि गलत है, इसे आप कैसे देखती हैं? आंकड़े आपके पास होंगे, आप देख लीजिए। मैं आंकड़ों में नहीं उलझना चाह रही, लेकिन एक बात जरूर मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि दुख की बात यह है, दुर्भाग्य की, कि आज हम लोगों ने इतिहास में जो पढ़ा था कि यह दिन दो नेताओं के नाम था, बड़े नेताओं के नाम, लेकिन जिस तरीके से सरकार के आज होल्डिंग्स और कार्यक्रम से इंदिरा जी का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, तो वो एक शायद अपने आप में एक अनकहा सा संदेश दे जाता है। उससे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, देश की जनता सब समझ रही है। अच्छा, एक और सवाल आपसे, और सवाल ये कि क्या कांग्रेस पार्टी को जो करना चाहिए था इतने सालों में वो बीजेपी कर रही है? क्योंकि आज पूरा विश्व ये देख रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, और आज हम उसकी बात कर रहे हैं, आज पूरा विश्व उस ओर देख रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि एकता के मिसाल रहे हैं इस देश में, उनके लिए जो काम आप लोगों को करना चाहिए था, क्या वो आज बीजेपी कर रही है? क्या आप लोगों ने एक बड़ा मौका गंवा दिया है और उसी की बौखलाहट है जो आज तमाम बयानों में दिख रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से? कोई बौखलाहट नहीं दिख रही है। मैंने पहले भी कहा कि नमन करते हैं दोनों को, सदैव करते रहेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रेरक हैं। सियासत मैंने कहा ना कि कहाँ हुई है, यह स्पष्ट सी बात जा रही है, सुबह से लेकर के शाम हो रही है, इस वक्त 7:20 हो रहा है। आपने खुद ही देखा है कि आज चर्चाएं किसकी हो रही हैं, इतिहास के पृष्ठों में किसकी चर्चा हो रही है, और आज कार्यक्रमों में ठीक है कहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन एक जो बात आती है कि कांग्रेस ने पटेल जी के लिए कुछ नहीं किया, पटेल जी खुद इतने बड़े व्यक्तित्व थे कि वो कांग्रेस के लिए मोहताज नहीं थे या किसी भी दल के लिए मोहताज नहीं थे कि कोई उनके लिए करे। उन्होंने दलों को और देश को बनाया है, उनके लिए दल कुछ बनाए, और अगर हम 182 मीटर ऊंची प्रतिमा से ही आकलन करते हैं कि इतने बड़ा स्टेच्यू बनाने से ही कुछ हम बड़ा काम ऐसा कर ले जाते हैं जो ऐतिहासिक होगा, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी नासमझी है। ठीक है, जुगल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से। जुगल किशोर जी, आपका बहुत स्वागत है। तमाम सवाल आपके लिए हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल विचारधारा को लेकर आता है। सर, सियासत क्या का जो आरोप लग रहा है वो तो विपक्षी पार्टियां लगाएंगी ही, उनका काम है, लेकिन जो विचारधारा का सवाल है वो खड़ा हो जाता है आप लोगों के सामने तब भी जब आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, तब भी जब आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, तब भी जब आप अम्बेडकर की बात करते हैं और कहते हैं कि हम उनके हिमायती हैं, हमने उनको सम्मान दिया है, और आज भी जब आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया और ये सौगात देश को दी, सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है कि क्या वाकई उनकी विचारधारा में विश्वास है? एक सरदार पटेल का कोट है जो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहती हूँ। हिंदू राज, दैट मैड आइडिया, इट विल किल द सोल ऑफ इंडिया, February 1949। ये तब का स्टेटमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, दर्ज है इतिहास के पन्ने में, और उसके बावजूद अगर आप लोग एक स्टैचू का अनावरण करके ये कह रहे हैं कि सरदार मेरे हो गए, तो क्या ये सिर्फ प्रतीकों की राजनीति नहीं है? विचारधारा को कहीं पीछे छोड़ देते हैं आप लोग। हम आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। सरदार पटेल जी इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, जिनको पूरा उनके कृतज्ञ को पूरा राष्ट्र नमन करता है। उनको हमने सम्मान देने का जब काम किया है,
तो कांग्रेस के दिल में बड़ी बौखलाहट आई। आपने भी अभी कहा, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम सम्मान दिए, भारत रत्न की उपाधि जब दिए, उनको तीर्थ स्थल बनाए, तभी इन्होंने कहा ये नाटक हो रहा है। गांधी जी का सपना था कि राष्ट्र स्वच्छ मिशन का नारा उन्होंने दिया था, स्वच्छता की बात उन्होंने कभी नहीं की। हम उनकी जयंती पर जब हम स्वच्छता की बात किए, देश को स्वच्छता की बात करने लगे मोदी जी उनके जन्मदिन पर, तो इनको बड़ी दर्द हुई। हम महापुरुषों का, सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों जिन्होंने देश के लिए भारत का संविधान दिया, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए बहुत कुछ किया जिसमें बखान करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, उनके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने उनकी सबसे, देश नहीं विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण करके सरदार विचारधारा की बात पर पटेल आपने नहीं जवाब दिया। नहीं, हमारी, हम विचारधारा के, हम राजनीति नहीं करते सर, हम महापुरुषों के साथ, हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं। राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, हम तो महापुरुषों का सम्मान करते हैं। कहाँ राजनीति कर रहे हैं, तो कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। नरेंद्र भाई, आप देश के प्रधानमंत्री को नमन करें तो मैं जानूं? आप तो सरदार पटेल भाई को सब ही नमन करते हैं। आप नरेंद्र भाई को धन्यवाद दीजिए, उनको नमन करिए कि उन्होंने हमारे महापुरुष को सम्मान देने का काम किया, तो मैं समझूं कि आप अच्छा काम कर रही हैं। इंदिरा गांधी जी को नमन कर लीजिए। ये जो बात कही है आपने वो बहुत अहम है कि नरेंद्र मोदी ने ये काम किया है इसलिए उन्हें नमन कीजिए। यानी कि आपको ये लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण करके और वहाँ पर स्टैचू बना करके ये ऐसा कोई काम किया गया है जो अभूतपूर्व है? और कोई सर, ये तो सरदार पटेल की जो का जो कद है वो तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। आज हमने देखा कि न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े विज्ञापन हैं, और जब आप ये बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को नमन कीजिए, तो ये क्यों नहीं माना जाए कि सरदार पटेल का सहारा लेके आप लोग सियासत करना चाहते हैं और आप लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं ताकि चुनाव में वो काम आ जाए? बिल्कुल कोई कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। ऐसे महापुरुषों को कम से कम 50 साल पहले सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में रहते उनको सम्मान मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। आज हमारी सरकार ने सम्मान दिया है, इसलिए हमारी सरकार को सबको धन्यवाद देना चाहिए, पूरी देश की जनता को सम्मान कर धन्यवाद देना चाहिए, कांग्रेस विशेषकर कांग्रेस। संतोष कुमार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष कुमार तिवारी जी, क्या ये दबी हुई आकांक्षा है बीजेपी की जो बोल रही है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को नमन कीजिए, बीजेपी को धन्यवाद दीजिए, इतनी बड़ी प्रतिमा बनवा दी है सरदार पटेल की? सरदार पटेल को तो नमन करते ही रहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को नमन करें या न करें ये तो सबके अपने अपने ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सरदार पटेल को उन्होंने जो सम्मान दिया है, उनकी जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, सवाल ये है कि आज इलेक्शन नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है, इसको ले इसलिए चुनावी सियासत हो रही है, वरना इस विषय पर कभी भी दो राय नहीं हो सकती कि सरदार पटेल का सम्मान किया जाए। और उन्होंने जिस तरह से सम्मान किया, मैं आपको बता दूँ कि सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे यहाँ जो आईएएस की जो सिस्टम आया है, जो आईपीएस का सिस्टम आया, ऑल इंडिया सर्विसेज का, इसमें सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है। 500 से ज्यादा रियासतों को इकट्ठा करना, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से देश को मिलाना, ये उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ये सम्मान तो कभी भी किया जाना चाहिए, लेकिन ये आइडिया कि सबसे बड़ी मूर्ति इनकी बनाई जाए, ये नरेंद्र मोदी का आइडिया था। और अगर किसी को ये आइडिया पहले नहीं आया तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। आज उनको आया है तो इसको लेकर के कोई विवाद भी नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, किसी ने कहा कि इसका अंग्रेजी में नाम रखा गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी अंग्रेजी में नाम रखा है, ये साथ दुनिया भर से लोग देखने आएंगे। वाशिंगटन पोस्ट में इसके बारे में निकला है, न्यूयॉर्क टाइम्स में निकला है, ब्रिटेन के अखबारों में निकला है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो तमाम देश विदेश के लोग वहां जाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था भी वहां की गई है। और इसके लिए चूंकि आइडिया नरेंद्र मोदी को आया और किसी को नहीं आया,
प्रॉब्लम सिर्फ यहीं से है और चुनाव नजदीक है। तो आपसे दो सवाल है सर मेरे, आपसे दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि क्या वाकई आपको लगता है कि ये काम करके नरेंद्र मोदी ने माइलेज ले ली है, बीजेपी को क्या इसका फायदा मिल जाएगा 2019 में? माइलेज ले ली है और नरेंद्र मोदी इस तरह की माइलेज लेने में एक्सपर्ट भी हैं। मैं गुजरात में 15 साल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी से मिला हूं और मैं जानता हूं कि उनकी समझ इस तरह के मामलों में बहुत तेज है और ये उन्होंने एक शोपीस बनाया है। हिंदुस्तान जैसे हर देश का एक शोपीस होता है, हमारे घर का एक ड्राइंग रूम हमारा शोपीस होता है, तो वैसे ही एक शोपीस बनाया जहां देश और दुनिया के लोग आकर के देखेंगे। यही सवाल तब भी उठता है जब स्वच्छता मिशन की बात की जाती है और गांधी जी को उसमें बांध देने की कोशिश होती है एक खास मंशा के तहत। मुझे लगता है सिर्फ स्वच्छता की बात तो गांधी जी ने की नहीं थी, गांधी जी ने अहिंसा की बात की थी, गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षता की बात की थी, सबको एक साथ लेके चलने की बात की थी। और यहाँ भी आप कह रहे हैं शो पीस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो घूम फिर के बात विचारधारा पर पहुंच जाती है सर। और अभी जो मैंने सवाल पूछा था जुगल किशोर जी से कि विचारधारा के मामले में आप लोग सरदार पटेल के मानकों पर कहाँ पर ठहरते हैं, आपसे भी यही सवाल है, आप बीजेपी के बारे में क्या सोच रहे हैं? और दूसरी बात, किसान, किसानों की बात बार बार आ रही है कि वहां पर न जाने कितने किसान हैं बड़ी संख्या में जो पानी की कमी से जूझ रहे थे, और क्या वाकई सरदार वल्लभ भाई पटेल आज ये चाहते कि इतने पैसे खर्च करके एक मूर्ति बने और उन किसानों को नजरअंदाज कर दिया जाए? जवाब मुझे जी जी जी। देखिए, किसान वहां की किस पोजीशन में है मुझे वो जमीनी हकीकत नहीं मालूम है। मीडिया से जो खबरें आ रही है वो कितनी सही है गलत है वो भी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि सरदार पटेल का जो गुजरात में सम्मान है उतना जो उनको कभी नहीं मिला और जिसके लिए हालांकि वो कोई मोहताज नहीं थे, लेकिन जो उनको दिया जाना चाहिए वो नरेंद्र मोदी ने दिया। वो कांग्रेस पार्टी के थे ये बात दूसरी थी, और वो कहते हैं कि वो सरदार पटेल को अपनाए ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। सरदार पटेल की एक भावना को कि उन्होंने यूनिटी देश में लाई और इसलिए उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम रखे। किसानों से और सरकार की विचारधारा से जुड़ा हुआ सवाल लेकर मैं आगे जाऊंगी, ब्रजेश मिश्रा के पास भी जाऊंगी और अरविंद शर्मा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले अब्बास अली जैदी साहब, आपका रुख भी स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया इतने वर्षों में और लगातार आवाजें उठती रही भीतर खाने के कुछ महापुरुषों को नजरअंदाज किया गया है इस देश में एक खास परिवार के मोह में, अगर आज वो हो रहा है, उन महापुरुषों को उनका स्थान मिल रहा है, वो सम्मान मिल रहा है उनके कद के हिसाब से, तो फिर आप लोग क्यों इसमें अपनी नाराजगी या इतराज जताते हैं, क्यों नहीं बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं? शुभ्रा जी, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धेय लौह पुरुष सरदार पटेल जी को नमन करता हूँ और हमारे देश की गौरव, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पे भी नमन करता हूँ। मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो बात कही सम्मान देने की, आदरणीय सरदार पटेल जी के लिए इस देश में उनकी याद को और उनके सोच को, उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएँ वो कम हैं। समाजवादी पार्टी उन प्रयासों का समर्थन करती है, लेकिन जब आप सम्मान देने की बात करते हैं तो मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश ने कोई ऐसा नेता दिया कि जिस नेता का विचार था कि इस देश में दबा कुचला हो चाहे किसान हो उसका संरक्षण होना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकार उस किसान का, उस आदिवासी का, उस दबे कुचले का अगर शोषण करती है, उत्पीड़न करती है, मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं देती, तो उसके प्रति सोच रखने वाले महापुरुष के लिए वो कभी सम्मान नहीं कर सकते। ये हुआ क्या है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये बात पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छी कही कि नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि कब क्या करना है। आज पूरे देश में एक बात है कि इस सरकार को आरएसएस चला रही है, तो आज बड़े दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए था कि सरदार पटेल का विचार आरएसएस के बारे में क्या था। गांधी जी की हत्या के बाद जिस तरीके से जश्न मनाने की बात उन्होंने स्वयं की चिट्ठी में वर्णित की, आज उसका भी चर्चा करनी, कहीं ना कहीं पर अपने ऊपर लगे आरोप जो इतिहास में कभी धुल नहीं सकते, उन आरोपों से आरएसएस प्रधानमंत्री जी के माध्यम से अपने को बरी करना चाहती है। आप महापुरुषों के सम्मान की बात करते हैं मूर्तियों के आधार के ऊपर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ज़्यादा मूर्तियां इस देश में अगर टूटी हैं तो मौजूदा सरकार के समय पर टूटी हैं। सिर्फ मूर्ति लगा देना ही सम्मान की बात नहीं है, तमाम और महापुरुषों की मूर्तियों की सुरक्षा और हिफाजत की भी जिम्मेदारी इसी सरकार की है। एक बात मैं और उदाहरण देना चाहता हूँ, आदरणीय जुगल किशोर जी बैठे हुए हैं,
मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, हालांकि इनको इसलिए नहीं याद होगा क्योंकि अभी हाल में बीजेपी में हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े और इस देश के सबसे बड़े नेता आदरणीय भारत रत्न श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आयरन मैन ऑफ बीजेपी कहा करते थे लाल कृष्ण आडवाणी जी को। और सरदार जी के मामले में दो समानताएं थीं दोनों में, जब डेफिनेटली सरदार पटेल बड़े नेता थे लेकिन दो समानताएं थीं कि दोनों ही इस प्रदेश इस केंद्र सरकार के गृह मंत्री भी रहे और उप प्रधानमंत्री भी रहे, और दोनों का ही अपने अपने प्रधानमंत्रियों से वैचारिक मतभेद था। ये सम्मान देने वाले लोग आज अगर उस आयरन मैन को अपने स्टेज तक बुला पाने में भी कामयाब नहीं हुए, उनको नजरअंदाज कर दिया, तो ये सम्मान कितना दे रहे हैं। और एक प्रश्न मैं आदरणीय जुगल किशोर सिंह जी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि इस मूर्ति लगाने पे हम नमन कर दें प्रधानमंत्री जी को, हम तो प्रधानमंत्री जी को ऐसी जगह ले जाकर 19 में बिठाना चाहते हैं कि जहां पूरा देश उनको आजीवन नमन ही करे, लेकिन राजनीतिक तौर पर आप ये बता दें, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में गांव गांव जाके लोहा इकट्ठा किया था, इस लोहे का हिसाब देंगे आप? वो कहां गया लोहा? 3,000 करोड़ की मूर्ति सरकारी खर्चे में बनी, उस लोहे का कहीं से कोई जवाब नहीं आया जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश से इकट्ठा करने का काम किया। पूरी बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया, उनकी मूर्ति तोड़ी, और बाबा साहब का सम्मान समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा किया, इन्होंने ऐसा कहा। अरे मैं इनसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूँ कि जिस समय 2012 का चुनाव चल रहा था, 2012 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी घूम घूम करके कहते थे, जब मेरी सरकार बनेगी इस अम्बेडकर उद्यान में हम हॉस्पिटल बनवा देंगे, उनकी मूर्तियां बनवा देंगे। अरे गलत बात कर रहे हैं, ये जब सरकार बनी तो हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी इन्होंने की, हॉस्पिटल की बात थी, वार हो गया था, मुकम्मल आपकी बात मुकम्मल, जब मैं बोल रहा था तब नहीं, मैं नहीं बोल रहा, आप मुकम्मल कर लीजिए, हल्ला मत बताइए, आप मुकम्मल कर लीजिए, आप मुकम्मल कर लीजिए, कट करेंगे। जिस समय की सरकार चल रही थी, क्या सरदार पटेल जी की एक भी मूर्ति लगाई थी आपने? क्या आप उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की एक भी मूर्ति लगाई थी? अम्बेडकर के मानने वालों को आपने सिरे से कुचलने का काम किया था, उनकी उनकी जमीन दादा छोड़ने छीनने का काम किया था, उनकी नौकरी छीनने का काम किया था तुमने, तुमको ये बात बताना चाहिए आपकी तारीख में। आज आज मैं आपके माध्यम से मैं आज पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के विषय में कोई राजनीति नहीं करती, केवल उनका सम्मान करती है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो। देखिए आपने जो आरोप लगाया मैं उसको साफ कर दूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अम्बेडकर उद्यान को लेकर के कभी ये नहीं कहा कि वहाँ पे मूर्तियाँ हटाई जाएंगी, ये गलत बात कहते हैं आप। दूसरी बात, वहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाने की जो बात है वो भी डॉक्टर साहब के नाम से बनाने की बात थी। और दूसरी बात, आप जो सम्मान की बात करते हैं, आप तो बहुत वरिष्ठ नेता, आपसे हम लोगों ने सीखा है, आप तो बहुत बड़े बहुजन आंदोलन के आप खड़ा करने वाले हैं इस प्रदेश में। आपको शायद ना मालूम हो कि उत्तर प्रदेश का पहला अम्बेडकर पार्क रामपुर जनपद में माननीय मुलायम सिंह यादव की नवासी की सरकार में बना था, तब तक आप वजूद में नहीं थे राजनीतिक तौर पर, आप नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के गलत तथ्य नहीं। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसके ऊपर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए गांव गांव जाकर जो लोहा इकट्ठा किया था, वो लोहे का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं दे रही? क्या वो लोहा चाइना भेजा गया? क्या चाइना में उस लोहे को परिवर्तित किया गया? और अगर परिवर्तित किया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार का जो धन लगा उसमें कितना पैसा उसमें से काटा गया, इस बात की वजह करनी पड़ेगी। जगल किशोर जी जवाब दीजिए, और अम्बेडकर की मूर्तियों की जो बात कर रहे हैं टूटने की, उसका भी जवाब दीजिए जल्दी से प्लीज। देखिए अभी इनको पता नहीं है, ये चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है इसलिए समाजवादी पार्टी की तो तारीफ करेंगे ही, इनको याद नहीं पार्लियामेंट के अंदर। अरे आप बीजेपी बुराई कर रहे हैं, पार्लियामेंट भाई मेरी बात हो जाने दीजिए, जब पार्लियामेंट के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का मामला आया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उनकी सारी सारी पार्टी जाकर के उसको फाड़ने का काम किया था, बाबा साहब अम्बेडकर का जो चित्र लगा था उसको भी आपने यहाँ विधानसभा से हटवाने का काम किया था, आप बाबा साहब का हर जगह अपमान पार्टी के समर्थन कर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र कभी आप कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा से हटाने की कभी बात नहीं दूसरों को, और एक बार करना चाहता हूँ, आप फिर गलत तथ्य दे रहे हो,
हम उस समाजवादी पार्टी की बात करने बैठे हैं कि जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव हैं और हम प्रमोशन का हर हाल में समर्थन करते हैं और आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए इसका खुला समर्थन समाजवादी पार्टी। अरे वो भी कहा गया था जब प्रमोशन में आरक्षण करके प्रमोशन में आप कहा थे उस वक्त आप कहा थे आप बताइए। आज देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई इसकी क्या सुरक्षा की आपने? बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने वाले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग हैं। आपने क्या कार्रवाई की? बाबा साहब कितनों को पकड़ा है? बाबा साहब की मूर्तियों को ऊपर मुकदमा कराया है आपने? आप एक नाम बताइए, आप ऐसा आरोप लगाई है लगा सकते हैं? आप एक आदमी एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का नाम बताइए कि जिसको आपकी सरकार ने अरेस्ट करने का काम किया? जैदी साहब प्लीज सपा वर्सेस बीजेपी मत बनाइए। जैदी साहब मेरा सवाल आपसे है और फिर मैं आगे बढ़ूंगी डिबेट में, और भी पैनल में लोग मौजूद हैं जिनसे सवाल मुझे लेना है। सवाल आपसे ये है कि आप किसानों की बात कर रहे हैं, दबे कुचलों की बात कर रहे हैं, क्या ये किसी एक पार्टी की सियासत की देन है? क्यों आप बीजेपी को इसके लिए बैन कर रहे हैं? अगर कोई बीजेपी ऐसा काम करने जा रही है जिसके देश से होकर के पूरे विश्व में उसके चर्चे हैं या फिर उसकी वजह से लोग भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, तो क्यों आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? और दूसरा कि जो बात कह रहे थे अभी संतोष कुमार तिवारी जी भी, कि इससे पूरे विश्व में एक संदेश गया है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इस देश में है जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है, और भारत का जो सीना है गर्व से चौड़ा हुआ है। अब इसमें भी आप लोग सियासत ढूंढ निकालिए। देखिए शुभ्रा जी, पूरे विश्व में जो संदेश गया है वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उस बात से गया है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को निर्देश जारी करा कि आप ऐसे फैसले ना कीजिए कि जिनको सरकारें लागू ना कर पाएं, इससे विश्व में संदेश गया ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान और कानून से ये देश चलेगा, इससे संदेश गया है। आपने किसानों की बात की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 5,000 किसानों के यहाँ आज प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर चूल्हा नहीं जला है। उन किसानों की जिनकी आंख में आंसू आ जाने पर लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा बात कहने वाले सरदार पटेल की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी कि जहां 5,000 किसानों ने खुले तौर पे कहा कि हम नर्मदा में जाकर के जल समाधि लेंगे। विगत 17 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी लगातार 15 साल वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद भी अगर उस क्षेत्र के आदिवासियों और किसानियों को पानी नहीं पहुंचा पाए हैं तो मैं समझता हूं कि ठीक है। जुगल किशोर जी से मैं ये सवाल पूछूंगी क्योंकि मैंने भी सुना था आज भाषण और कई बार किसानों का जिक्र किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके बाद भी दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे? लेकिन उससे पहले ब्रजेश मिश्रा जी, मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इतिहास के जानकार भी हैं, क्या वाकई इसे इस नजरिए से देखा जाए, क्या इस देश में कुछ महापुरुषों को लगातार नजरअंदाज किया गया है और आज यही वजह है कि बीजेपी ये कह पा रही है कि देखिए आपने सरदार के लिए क्या किया, हमने ये किया है? देखिए सरदार पटेल के विषय में इतिहास कुछ कहता है और उस इतिहास को जानना आवश्यक है। कांग्रेस जब नेशनल मूवमेंट का दौर था तो कई बार ऐसा हुआ जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट चुने जा सकते थे लेकिन वो नहीं चुने गए। मैं आपको उदाहरण दूं 1929 में, 1937 में, 1946 में। 1946 की कहानी तो ये थी कि उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट को चुनने की प्रक्रिया जो थी उसको राज्य इकाइयां चुनती थीं और 15 राज्य इकाइयों में से 12 राज्य इकाइयों ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया था। और लेकिन नेहरू ने कहाँ से नॉमिनेट करवाया? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कुछ मेंबर्स से। और उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने नेहरू का समर्थन तो कर दिया, बाद में जब उनकी डेथ हुई और उनकी ऑटोबायोग्राफी खुली इंडिया विंस फ्रीडम, तो उन्होंने उसमें लिखा कि नेहरू का समर्थन करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की थी। अब आप देखिए कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता था वो महात्मा गांधी के अपील पर सेकेंड पोजीशन लेने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि नेहरू सेकेंड पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं थे। अच्छा, अब रह गई कि कांग्रेस का भी दो इतिहास है, एक नेहरू परिवार के वर्चस्व वाला इतिहास और एक नेहरू परिवार के राजनीति वाला इतिहास। अब उसमें अगर जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे विवरण आएंगे जो कि लोगों को पसंद नहीं आएंगे। सारांश में ये कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल अगर न रहे होते तो भारत में आपको हैदराबाद जाने के लिए ही वीसा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ जाती। और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के कद के अनुसार भारत में 562 रियासतें थीं और उन 562 रियासतों को एकीभूत करने का कार्य
उस समय में उन्होंने किया जब भारत के पास सशक्त सेना नहीं थी, सशक्त पुलिस नहीं थी। और ये भी समझना पड़ेगा कि जब चूंकि नेहरू जी सेकंड पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके आगे चलिए, वो नॉमिनेटेड रहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी से, और इतिहास में पढ़ाया गया कि नेहरू यूनानिमसली चुने गए, सर्वसहमति से चुने गए। ऐसा नहीं था, कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स जो रिकॉर्ड पर हैं वो इस बात को शो करती हैं। सरदार पटेल का नाम आज क्यों आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनको जो उनके कद के अनुसार जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था नहीं मिला। और ये भी कहना चाहता हूँ कि उनको भारत रत्न भी उनकी मृत्यु के पश्चात मिला। उनके इतने बड़े योगदान, नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न दिया था 1955 में। इसी तरह से आप देखिए तो इंदिरा जी ने 1971 में अपने को भारत रत्न दिया था, और 1955 और 1971 तक इन दोनों नेताओं का ऐसा कोई योगदान भारत की राजनीति में नहीं था कि ये स्वयं को भारत रत्न देते। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो बात होती है अंबेडकर जी को उनकी मृत्यु के 34 वर्ष बाद हमने भारत रत्न दिया 1990 में, और इसी तरह से हमने सरदार पटेल को भी उनकी मृत्यु के 41 वर्ष बाद भारत रत्न दिया। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश की जो राजनीति है, जो परिवार तंत्र की राजनीति में फंसती चली गई और जिसको कि लोग समझे नहीं या समझ भी गए तो मजबूर रहे होंगे, ये बात समझने की है कि अगर किसी राष्ट्रीय व्यक्तित्व को उसका सम्मान दिया जा रहा है तो देश को उसको सेलिब्रेट करने का अवसर है। और लेकिन यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है ब्रजेश जी, एक तो सम्मान शब्द का इस्तेमाल हो रहा है बार बार, एक शोपीस शब्द भी आया है। हाँ, देखिए नहीं, सम्मान तो दे देते हैं, देखिए वो ठीक है, लेकिन क्या सम्मान देना असल वो नहीं होगा कि उनके विचारों को उस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनका पालन किया जाए। आप कह रही हैं देश के अंदर, जिनकी वो बात, देश के अंदर बहुत सारे मेमोरियल्स हैं शुभ्रा जी, उनके बारे में ध्यान दीजिए। मैं बता रहा हूँ, देश के अंदर बहुत सारे मेमोरियल्स हैं जो नेहरू और इंदिरा जी के परिवार के नाम से हैं, और बहुत सारे नाम, बहुत सारे भवन, बहुत सारे इतिहास का हिस्सा नेहरू परिवार के नाम से दे दिया गया है। अब आप ये सोचिए कि आज सरदार पटेल पर अगर कोई डिबेट हो भी रही है देश के अंदर या विश्व में, कोई सराहना हो रही है किसी चीज की, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि सरदार पटेल के योगदान को पहचानने की कोशिश हुई। मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए कि इस समय इनकी स्टैचू नहीं बनाई जाती तो क्या आज ये डिबेट होती या दुनिया इस चीज को नोटिस करती क्या? और फिर आप अगर एकांगी इतिहास पढ़ेंगे, एक परिवार का इतिहास पढ़ेंगे, उसी इतिहास को आप रटते रहेंगे, तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया देश की आजादी के लिए, हमने किसी एक परिवार को देश की आजादी का योगदान बता दिया कि उसी का है, तो ये थोड़ा सा एक तरह से एकांगी इतिहास हो गया। ब्रजेश जी, तो क्या ये जो प्रतीकों की राजनीति का सिरा है उसे बीजेपी ने पकड़ लिया है? देखिए बीजेपी नहीं, देखिए बीजेपी नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रतीकों की राजनीति सभी राजनीतिक दलों ने पकड़ा हुआ है। 2019 में क्या सरदार बीजेपी के लिए असरदार साबित होंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, असरदार साबित कितना होंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि राजनीति बहुत टेढ़ी मेढ़ी चलती है। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रतीकों की राजनीति बसपा भी करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, और भारतीय जनता पार्टी भी करती है। अब ये समझने वाली बात है कि प्रतीकों की राजनीति, इसको इसका आरंभ भी कहिए तो आप समझिए तो सबसे पुराने, हमारे आजादी के बाद जो सबसे लंबे समय में आजादी के बाद जो राजनीतिक दल रहा है, प्रतीकों की राजनीति वहां से शुरू हुई थी। तो इसको इसमें जाने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सरदार पटेल, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कहना चाहते होंगे कि सरदार पटेल और महात्मा गांधी दोनों ही गुजरात के पूत हैं, और हम, गुजरात ने देश को एकीकरण दिया, गुजरात ने देश को राष्ट्रपिता दिया, गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। और एक तरह से मैं समझता हूं कि भारत की यूनिटी का एक, जो एक भारत को यूनियन बनाने का जो एक हमारा सपना था, जो कि लगभग मैं समझता हूं कि लंबे समय बाद पूरा हुआ था, तो मैं समझता हूं कि सरदार पटेल के कद के अनुसार जो उनको सम्मान दिया गया है, दिया जाना चाहिए, और दिए हमेशा भविष्य में भी इसको सुनिश्चित करना चाहिए, जो राष्ट्र पुरुष हों उनको हम बहुत सम्मान से याद करें, और हम एकांगी इतिहास को न पढ़ें, इतिहास को संतुलित पढ़ें। ठीक है ना? इस पर मैं संतोष जी का भी रुख जानूंगी, लेकिन अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना दल एस की ओर से। अरविंद शर्मा जी, आप तो किसानों की बात करते हैं, आप लोग किसानों की राजनीति करने का दम भरते हैं, क्या आप उन किसानों की बात करना चाहेंगे जो बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनका जीवन दांव पर लगा हुआ है, और 15 साल से भी ज्यादा बीजेपी का शासन अगर है वहां गुजरात में, तो क्या उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए उन किसानों की? शुभ्रा जी, देखिए, इस पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज जिस टॉपिक पे डिबेट रखी गई है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज ये इवेंट हुआ जिसकी वजह से आज ये बात हम लोग के बीच में आई, और हम लोग को ये मौका मिला कि हम सरदार पटेल जी पे आज कुछ अपने वक्तव्य रख पाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अखंड भारत के शिल्पी
के लिए हम कुछ अपने अपनी बात अपना मत रख पाएँ। वो एक ऐसे नेता थे जो शोषितों के, किसानों के, गरीबों के, और एक ज़मीनन नेता थे। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो नहीं लिखी, लेकिन हाँ उन्होंने किसानों की बात और किसानों को और ज़मीनी स्तर पर काम करके आज राष्ट्र को एक अखंड स्वरूप दिया है। और वो इंडियन फादर ऑफ इंडियन नेशनल इंडियन सिविल सर्विस भी कहे जाते हैं। तो आज ये बहुत आज हम लोग के लिए बहुत गर्व का दिन है, बहुत पर्व का दिन है, क्योंकि आज हमने इसीलिए हमारे पार्टी ने भी एक एकता ट्रेन यात्रा दी, एक पूरी ट्रेन हमने बुक कराई जो यहाँ उत्तर प्रदेश से वाराणसी से चल के गुजरात गई, और हम लोगों ने उसका कल उसको झंडी दिखा के अनावरण इस के कार्यक्रम में उनको भेजा। यहाँ से बहुत सारे लोग गए। रही बात किसानों की, देखिए किसानों के लिए अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने 36,000 किसानों का ऋण मोचन किया, जो कि एक अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जो किसान, आप तो ये बीजेपी और जो एनडीए जो घटक दल, हम एनडीए घटक दल पे हैं, तो हम राष्ट्र स्तर पे भी और केंद्र और राज्य स्तर पर भी दोनों स्तर पर हम हमेशा किसानों की और पिछड़ों की, शोषितों की, दलितों की बात उठाते रहे हैं। उसी का के किसानों को क्यों भूल जाते हैं फिर आप लोग? देखिए ऐसा है कि नर्मदा का जो आंदोलन है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना आंदोलन है, और कई नेता, कई लोगों ने, मेधा पाटेकर जी इसमें हमेशा इससे जुड़ी रहीं, बहुत बड़े बड़े नाम इससे जुड़े रहे। और अगर ये देखा जाए कि ये एक दिन की समस्या तो ऐसा नहीं है, कोई भी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई भी टाइम फ्रेम आप बैठ के डिबेट में नहीं फिक्स कर सकते, वो एक ज़मीनी स्तर का मैटर है। और ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई सरकार 15 साल से सत्ता में हो तो वो संवेदनशील नहीं किसानों के लिए, ऐसा नहीं मान सकते, बिकॉज वो मैंडेट के साथ वहाँ सरकार आई हुई है। सिमिलरली हम लोग उत्तर प्रदेश में अगर हमारे पास मैंडेट है तो हम भी जानते हैं कि हमारे पीछे जनता है प्रदेश की, तो इसलिए इस मुद्दे को उठाना कि वो हम 5,000 किसानों पे सरकार ने काम नहीं किया उनके लिए संवेदनशील नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। जुगल किशोर जी, हालांकि किसान बार बार यही कह रहे हैं कि वो खुश नहीं हैं सरकार से, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, उनके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए हैं, लगातार वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी बार बार किसानों का जिक्र अपने स्पीच में करते हैं, इसीलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि इस पर जुगल किशोर जी आपको जवाब देना चाहिए, इस पर भी जवाब दीजिए। और एक बात और उठी है इस डिबेट में शुरुआत में ही, आज दिन भर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते रहे हैं, और यहाँ पर मंजू जी ने भी इस बात को उठाया है कि इंदिरा गांधी का अपमान क्यों? इंदिरा गांधी जिनकी आज पुण्यतिथि है, आप लोग कहते हैं कि महापुरुषों को हम सम्मान उनका दिलवा रहे हैं, दूसरी तरफ इस सियासत इस तरह खेल रहे हैं आप लोग कि एक महापुरुष का सम्मान हो रहा है और दूसरे को भूल जा रहे हैं। देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और प्रदेश की सरकार किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है। हम जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार बनाए, तुरंत हमने 36,000 किसानों का कर्ज माफ़ किया, 1,00,000 तक का कर्ज, जो गरीब दलित शोषित परिवार के जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे किसान, उनको हमने 1,00,000 तक का कर्जा माफ़ किया। उसके बाद हमने नीम कोटि की यूरिया लाए, जिससे किसानों की समस्या के किसानों की बात से खत्म हुई। आज उन पर बात, आज हमने 250 रुपया सबसे ज्यादा देश की आजादी के बाद किसी सरकार ने धान का इतना मूल्य नहीं बढ़ाया था। गुजरात के किसान जो बार बार बोल रहे हैं कि उनके लिए नहीं किया सरकार ने, उनकी बात कीजिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही, हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और पूरे देश में लागू किया है उन्होंने, और ये समस्या कई बहुत पुरानी है, कोई आज की समस्या नहीं है। अगर ये समस्या किसानों की हमेशा से रही तो 4 बार मुख्यमंत्री 15 साल से भी ज्यादा अगर सरकार है वहां पर बीजेपी की, तो जवाब कौन देगा? हम लगातार वहां जीतते चले आ रहे हैं, अगर ये बात में दम होती तो वहां बीजेपी की सरकार लगातार नहीं। क्या आप कह रहे हैं कि बात अगर हम बीजेपी की सरकार 4 साल में नाकामयाब रहते तो उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा को धूल चटाते हुए हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया है। ये जो कह रहे हैं कि हम जल समाधि ले लेंगे, बात गलत है कि किसानों जो कह रहे हैं कि जल समाधि ले लेंगे, सर क्या वो झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं, ये झूठ बात है क्या? जो जल समाधि लेने तक को मजबूर है केवल नर्मदा के किसानों की बात जहाँ तक आप कर रही है, मैं जानता हूँ कि नर्मदा की समस्या, वहाँ के किसानों की समस्या बहुत पुरानी समस्या है।
कोई हमारे दल की समस्या नहीं, वहाँ की कुछ ऐसी संवैधानिक व्यवस्था है। समस्या आपके देश, जब आप सत्ता कर रहे हैं तो जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल क्या है, जवाब आप क्या दे रहे हैं? नहीं, आपने किसानों की बात कही, कौन किसानों की? शुभराज ने ये पूछा है कि आज दो महापुरुषों की बात हो रही है, आप उस सवाल को उठा करके कहाँ ले जाके धोखे दे रहे हैं? आपको कौन मना किया उनको सम्मान? हमारी और आपकी नेता की बात नहीं हो रही है क्या? इंदिरा जी आपकी नेता नहीं है? वो पूरे देश के लिए हुए हैं हमारे देश, वो चाहे पटेल जी हो चाहे इंदिरा जी हो, पूरे देश के अंदर जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने जिस देश को, इतने बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने जो इस देश को दिया है वो शायद किसी ने नहीं दिया है। इसलिए नए भारत का निर्माण किया। सबसे जो ज्यादा जिस समय 1947 से पहले जो सबसे बड़ी समस्या थी कि 550 से ज्यादा जो सियासतें थी उनको एक साथ करना, और ये आज रात बहुत सारी आज याद किए जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज विश्व का सबसे उनको सम्मान देने का काम किया है। इंदिरा जी आपकी नेता नहीं है, ये कौन मना कर रहा है? आपकी नेता नहीं है। देखिए यहाँ पर शुभ्रा जी, सवाल जो आपने शुरुआत में किया था, जवाब अपने आप ही भाजपा प्रवक्ता दे रहे हैं। शुरुआत डिबेट की शुरुआत से लेकर अंत तक का एक मर्तबा भी उन्होंने इंदिरा जी के लिए दो शब्द नहीं कहे। तो हम विरासत पर सियासत कौन कर रहा है? विरासत पर सियासत कौन कर रहा है? सम्मान नहीं की हमने, सम्मान में कोई शब्द हमने कोई उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। श्रद्धांजलि के दो शब्द कहने में आपको क्या गुरेज है? आज जिसको सम्मान दे रहे हैं, श्रद्धांजलि के दो शब्द कहने में क्या गुरेज है? आज जिनको सम्मान दिए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया है, उनको एक बार के दो शब्द कहने में क्या गुरेज है? मैं बार बार कह रही हूँ की पटेल जी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने देश को आज दिया कि बहुत बड़ी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा करी है। आज पूरे विश्व में पटेल जी की उच्च प्रतिमा से भारत का ललाट जो है ऊंचा हुआ है। लेकिन आप भी तो कहिए कि इंदिरा जी पर दो शब्द आप यहीं पे कह दीजिए, मैं मान जाऊंगी आप सियासत नहीं करते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हम आज जिस महापुरुष की बड़ी प्रतिमा का अनावरण किए हैं उसके लिए हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। आप मोदी जी का बहुत महिमा मनन कर चुके हैं, उसके लिए बहुत सारा 11 अरब रुपया खर्च करा जा चुका है, आपको जिम्मेदारी खाली नहीं है। आप इंदिरा जी पर दो शब्द कहेंगे यहाँ? नहीं, हम इंदिरा जी का भी सम्मान करते हैं, हम सारे लोगों सारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं। एक घंटे की कवायद के बाद आप दो शब्द बोले उसके लिए। अरे आप क्यों आप ज्यादा इस तरीके की उत्तेजित हो रही हैं? आपको तो हाशिए का कांड का भी दो शब्द बोल देना चाहिए। आपको जो आज हाशिए का कांड का आज हाई कोर्ट का जो जवाब आज जो डिसीजन दिया है गोदरा में बोल दीजिए, उसके भी कांग्रेस को धन्यवाद। किस तरीके से जात पात धर्म की मजहब की सियासत आप कर रहे हैं और आज किस महापुरुष के जन्म दिवस पर और शहादत दिवस पर इस तरीके की सियासत की बातें कर रहे हैं बजाय उनके विचारों से प्रेरित होने के, जो कहते थे कि तलवार चलाना हुआ जानते हुए भी जो तलवार को मयान में रखे वही सच्चा अहिंसक है, जो कहते थे कि भारत एक ऐसा बहुत देश बने जहां कोई भूखा न मरे। हमारे ये महापुरुष तुम्हारे, और ये 2019 तक खेल चलता रहेगा, इस देश की जनता ये जानती है। एक बात ये कहना चाहता था शुभ्रा जी, देखिए सरदार सरोवर डैम जहाँ पर ये मूर्ति बनी है, ये महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, चार राज्यों में ये नर्मदा नदी बहती हैं। और ये डैम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फाउंड किया था 1961 में, फाउंडेशन स्टोन इसकी पड़ी थी। और इस नदी के किनारे जितने भी लोग विस्थापित हुए, निर्वासित हुए, उनका मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता रहता है। और ये आप सोचिए 1961 से आज आप 2018 में बैठे हुए हैं। किसानों की आवाज को राजनीतिक रंग दे करके उन्हें भूल जाना बहुत आसान होता है। नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस डैम को लेकर के वहां पर जो नदी सूखी हुई है, जमीनी हालात ठीक है, मुझे नहीं लगता सर कि किसी भी प्रदेश में किसानों की जमीनी हालात ये है कि हम उन्हें ये कह सके, नजरअंदाज कर सके कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ सियासत हो रही है। हाँ एग्जैक्टली, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरदार सरोवर डैम तो 1961 में ही इसका फाउंडेशन स्टोन पड़ गया था, इसको बने हुए लंबा समय हो चुका है। अगर इससे जुड़ी हुई भी तमाम डिमांड्स चलती रहती हैं और वहां पर जो लोकल कुछ सिंचाई के भी इश्यूज रहते ही रहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको कोई भी राजनीतिक दल हो, तब से सभी राजनीतिक दलों की सरकारें बन चुकी हैं, कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण रूपेण सक्षम नहीं होता सारी समस्याओं के समाधान के लिए। इससे ज्यादा इसमें क्या कहा जा सकता है? लेकिन उस बड़े
मनी अमाउंट की बात हो रही है जो खर्च किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि क्या उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था उन्हीं किसानों को राहत देने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि ये सवाल अगर पूछा जा रहा है तो इसके जवाब से भागना चाहिए बीजेपी। नहीं, सरकारों को इसका जवाब देना चाहिए और उनके उत्थान के लिए काम करना चाहिए। संतोष कुमार तिवारी जी, ठीक है सर, संतोष कुमार तिवारी जी, आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगी इस पूरे मामले पर। ये जो किसानों की बात आ रही है इस पर भी, और साथ ही क्या कांग्रेस पार्टी को आज मलाल होगा इस बात का कि बीजेपी ने वो नब्ज पकड़ ली है जो एक कमजोर नब्ज है? जो सच बात है कि आपने कहा मलाल होगा, वही मलाल है। हाँ। जिसकी वजह समस्या है। हाँ। हमारे यहाँ डॉक्टर मंजू दीक्षित जी ने अभी कहा कि क्या इंदिरा गांधी के बारे में कुछ कहेंगे। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश क्रिएट कराया, जुल्फकार अली भुट्टो की गलतियां थी तमाम, उसको उन्होंने खट से कैश कर लिया। और इसके लिए जो है इंदिरा गांधी हमेशा याद की जाएंगी, हमेशा उनका सम्मान किया जाएगा, सबके दिलों में रहेंगी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसके लिए उनका हमेशा उनकी आलोचना होती रहेगी। और ये दोनों चीजें, हर आदमी के कई फैसेट्स होते हैं। जहां तक सरदार पटेल की बात इस समय हो रही है, और बाय द वे कॉन्सिडेंसली दोनों का एक की पुण्यतिथि और एक का जन्मदिन एक ही दिन पड़ गया, इसमें ना इंदिरा गांधी का दोष है और ना सरदार पटेल का दोष है। और आज के दिन बता दें आचार्य नरेंद्र देव जी की भी जन्मदिन है, जो कि इस समय ढक गया है। इतनी सारे लोगों में आचार्य नरेंद्र देव लखनऊ के और उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं के, चंद्रशेखर के, सबके गुरु रहे, उनका भी इस मौके पे कुछ याद किया जाना चाहिए, वो ढक गया है। खैर, ये सब बातें बात की हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनाई, तो इससे ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ माइलेज ले लेंगे, जिसको लेकर के विभिन्न पार्टियों में सुगबुगाहट है। ठीक है, तो क्या ये 2019 से पहले की खलबली है? क्या तमाम पार्टियों को ये भय भी सता रहा है? एक चीज आपको और बता दें, एक चीज आपको और बता दें कि वहां पर पानी की समस्या सिर्फ गुजरात में ही नहीं है, और गुजरात की पानी की समस्या मैंने देखी है कि साबरमती नदी अहमदाबाद में सूख गई थी, बिल्कुल सूख गई थी। ठीक है ना, वहाँ क्रिकेट खेला जाता था। मसलों पर, इन तमाम और आज वहाँ पानी है, पूछना होगा, क्योंकि 3,000 करोड़ रुपए खर्च करके सम्मान दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, पूरा देश उस पर गर्व कर रहा है। लेकिन उन किसानों के बारे में भी उसी सरकार को सोचना होगा जो सरकार किसानों की बार बार बात करती है अपने भाषणों में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और उस चर्चा में शामिल होने के लिए।